उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस के बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए बनाए गए लैब की जानकारी हासिल की और कहा कि जांच की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 200 बेडों पर भी सुविधा उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संक्रमण से बचा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी हेल्थ के अलावा सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एसआईसी डॉक्टर ए के सिंह, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सूची हमने दे दिया एजेंसी, जो चैरिट एजेंसी, वो उस एजेंसी ने केवल एक तिहाई लोगों का नाम भेजा है अभी तक। कल डीएम साहब ने कड़ी चिट्ठी उनको लिखी है कि 18 तारीख तक नहीं करते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट करके तैयार करते हैं। उससे पहले आपको ये कहा गया था कि यथासंभव जो पहले आपके काम कर रहे हैं वही लोग लिए जाएं। मौके पर आपको नहीं पहचाना गया था। सुनो जी सर, आप सुनते नहीं हो, हमसे सुनते हैं, आपकी तो सुना करो। बात ये निर्देश आपको ये दिए गए थे। अभी जो लेटर जारी हुआ था, अगर उन्होंने काम किया है कम पर किसी को अधिकृत कर दिया था पेमेंट करने के लिए, 15 अप्रैल तक की डेडलाइन थी, उन्हें आपने नहीं करा। अगर उन्होंने काम किया था तो जिला स्वास्थ्य समिति के सामने आपको प्रस्ताव रखना था क्या इन लोगों ने हमारे यहाँ काम किया है, हम आपको उनका वेतन दे रहे हैं। नंबर 3, फिर हमने आपसे कहा था कि ठीक है, अगर आप ये अगर आपने काम किया है एजेंसी आपकी चयनित नहीं की है, जैन से आप दोबारा करिए और तत्काल पूरा कीजिए। पाएगा क्या बताइए सर? सर एक मिनट, और सुनिए ना कि वो 18 साल से पहले जो ड्राइंग करा था, अगर अगर यहाँ पर अपना कोई बैग में इसमें आपने ये सब कुछ कर दिया होटल करके, आप देख लीजिएगा कि सुपर को कैसे लेना है। इसका ज्यादा अच्छा तरीका ये रहता है, सर ने हेलो ट्रस्टी बनाने में भी आपसे कहा था कि जहाँ आपके जो मेडिकल विभाग के स्वीपर है वो आप यहाँ काम करते रहे हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं, जानते हैं कैसे सावधानी बरतनी है, क्या करनी है, जब इसमें पेशेंट आएगा।